दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ रेट नंबर 12/924/2022। जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बट आपका मामला फाइनली कोर्ट में अटका हुआ है। रेट नंबर 12/924/2022 करके ये रेट आपकी पड़ी हुई है। अभी तक अगर हम बात करें तो इसकी जो फाइनल सुनवाई है वो 30 अप्रैल को लगी हुई थी, लेकिन 30 अप्रैल से पहले आपके मामले को सुना जाना सुनिश्चित हुआ है। देख सकते हैं जो है, जैसा कि कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल कोर्ट नंबर 37 में आपकी सुनवाई होना सुनिश्चित हुआ है। आपकी डेट में फाइनली परिवर्तन कर दिया गया है और रिजल्ट आपका कब तक आएगा तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आपको इस ऑफिशियल जो है लेटर से रूबरू कराते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के समकक्ष अगर हम बात करें, आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का मामला भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 29 अप्रैल को फाइनल सुनवाई लेखपाल की लगी हुई है। जितने भी लेखपाल के साथी हैं, सभी लोगों की प्रबल इच्छाएं थी कि हमारा भी मामला जो है 29 अप्रैल से पहले सुना जाए, लेकिन इनका जो मामला है फाइनली 29 तारीख को ही अडिग हो चुका है, 29 तारीख को ही सुना जाएगा। लेकिन मुख्य सेविका के लिए कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है कि 24 अप्रैल को आपका जो फाइनली मामला है वो सुना जाना सुनिश्चित हुआ है। मैं जानता हूं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस ऑफिशियल जो है स्टेटस का, तो चलिए हम आपको ऑफिशियल स्टेटस से भी रूबरू कराते हैं कि जो 12/924/2022 करके केस है वो 24 अप्रैल कोर्ट नंबर 37 में सुना जाएगा। देखिए, स्टेटस आपके बीच में लगा हुआ है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं जो है रेट नंबर 12/924/2022 करके ये रेट है। 22/4/2024 का जो स्टेटस आपके बीच में डाउनलोड किया गया है। और यहाँ देखिए, स्पष्ट आपसे कहा जा रहा है, चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट थी वो 1/7/2022 को लगी हुई थी। और अगर हम इसकी जो सुनवाई यानी वर्तमान समय के अपडेट की बात करें तो 24/4/2024 केस इज लिस्टेड एंड कोर्ट नंबर 37 और सीरियल नंबर 4078 यानी अनलिस्टेड एडिशनल अनलिस्टेड में आपका जो केस वो सिंगल बेंच में लगा हुआ है। यानी उम्मीद तो 100% की अब किया जा सकता है कि आपका मामला जो है ये 24 तारीख को फिनिश हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी देखने वाली बात ये होगी कि मामला आपका 24 को समाप्त होता है या नहीं होता है। बट यहाँ देख सकते हैं, पिटिशनर दिया जा रहा है अनिता सिंह एंड 75 एंड अदर्स एडवोकेट, इनकी तरफ से हैं विनीत कुमार सिंह, चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, और रिस्पोंडेंट देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया एंड थ्री अदर्स एडवोकेट, इनकी तरफ से किए गए हैं सिद्धार्थ सिंघल सर, ठीक है। और इन चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैंने आपके बीच में दिखा दिया। अब आपके मन में ये डाउट्स है कि क्या 24 तारीख को मामला हमारा समाप्त होगा या नहीं होगा। देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका 24 तारीख को मामला आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपका मामला जो है ये 24 तारीख को फिनिश हो जाए, ठीक है। क्योंकि कई महीनों से ये मामला पेंडिंग में चल रहा है, जो है अब कोर्ट केस जो है स्टॉपेड हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार आपको डेट पर डेट मिल रही है, अभ्यर्थी भी परेशान हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए लगातार अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन इत्यादि पर भी उन्होंने सक्रियता दिखाई है। फिलहाल के लिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम चैनल के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।